Welcome to our channel School Prep. This is the question answer part of Class 7 Science Chapter 4 Heat. In today's video, we will discuss some questions related to chapter Heat. The first question is: State similarities and differences between the laboratory thermometer and the clinical thermometer. So. लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में सिमिलेरिटीज़ हैं बोथ थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब तो बोथ कैसी होती है उनमें एक लंबी नैरो ग्लास ट्यूब होती है जिसमें मरकरी भरा होता है एंड बोथ है बल्ब एट वन एंड दोनों के एंड वन एंड पर नॉट ऑन बोथ एंड ओनली वन एंड एक बल्ब लगा होता है एंड बोथ कंटेन मरकरी इन द बल्ब बल्ब में क्या होती है मरकरी होती है फ्लूड होता है जिस जो टेम्परेचर के स्लाइट डिफरेंसेस से क्या हो जाता है कॉन्ट्रेक्शन ऑइन उसमें क्या होता है कॉन्ट्रेक्शन होता है एंड वो फैलता uh, है बोथ यू सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब ग्लास ट्यूब दोनों की ग्लास ट्यूब में कौन सा स्केल होता है सेल्सियस स्केल होता है एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स से टेम्परेचर बिटवीन थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव डिग्री थर्टी फाइव से फोर्टी फाइव डिग्री के बिटवीन में ये टेम्परेचर रीड करता है और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो माइनस टेन डिग्री से वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रीड करता है क्लीनिकल थर्मोमीटर इज यूज़ टू मीज़र ह्यूमन बॉडी वो क्लीनिकल थर्मामीटर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मीज़र करता है इसीलिए उसकी जो रीडिंग होती है वो थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस होती है वाइल्ड जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है कैन नॉट बी यूज फॉर मीज़र द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को लेबोरेटरी थर्मामीटर द्वारा मीज़र नहीं किया जा सकता क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ अंक नियर द बल्ब बल्ब के नियर पे एक निंक होती है वाइल्ड दियर इज नो निंक लेबोरेटरी थर्मामीटर में ऐसा कुछ नहीं होता और बिकॉज ऑफ दिस मरकरी डज नॉट फॉल डाउन ऑन इट्स ओन मरकरी खुद से क्लिनिकल थर्मामीटर में फॉल डाउन नहीं होती है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट तो कंडक्टर जिसमें हीट इजीली फ्लो हो जाती है एंड इंसुलेटर जिनमें हीट इजीली फ्लो नहीं होती मींस पुअर कंडक्टर ऑफ हीट दे आर कॉल्ड इंसुलेटर तो कंडक्टर हैं जिनमें इजीली हीट फ्लो हो जाती है ट्रांसफर हो जाता है हीट का एल्यूमिनियम एंड आयरन एंड इंसुलेटर आर प्लास्टिक एंड वुड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीलिंग द ब्लेंस द हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज डिटरमाइंड बाई इट्स तो किसके थ्रू किसी भी बॉडी की जो हॉटनेस है वो किसके थ्रू होती है मीज़र कर सकते हैं आप उसके टेम्परेचर के थ्रू मीज़र कर सकते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेचर ऑफ बॉयलिंग वाटर कैन बी डि मीजर्ड बाई अ क्लीनिकल थर्मोमीटर तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है उसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर से मीज़र नहीं करते कर सकते बिकॉज जो रीडिंग होती है क्लिनिकल थर्मामीटर की वो केवल कहाँ से कहाँ तक होती है 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है और उसका बॉइलिंग वाटर का बॉयलिंग टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस तो हम ये किसके थ्रू कर सकते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर के थ्रू टेम्परेचर इज मीडरड इन डिग्री जो टेम्परेचर है वो डिग्री किस में मीज़र किया जाता है सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस द नेक्स्ट इज नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस हीट ट्रांसफर की कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें uh, किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता दैट इज रेडिएशन अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिब इन अ कप ऑफ मिल्क हॉट मिल्क इट ट्रांसफर्स हीट टू इट्स अदर एंड बाई द प्रोसेस ऑफ तो एक मिल्क मिल्क uh, में हॉट मिल्क है उसमें कोल्ड स्टील स्पून डिप करी गई है तो उस स्पून का वन एंड से दूसरे एंड में जो हीट ट्रांसफर होती है वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है तो वो होती है कंडक्शन के थ्रू किसके थ्रू होती है कंडक्शन कंडक्शन में सॉलिड uh, पार्टिकल्स में होती है सॉलिड मेटर में होती है जिसमें एक पार्टिकल से नेक्स्ट पार्टिकल फिर नेक्स्ट पार्टिकल से अपने जो बगल वाला पार्टिकल होता है उसमें क्या करते हैं हीट को ट्रांसफर करते हैं तो स्पून में एक एंड से दूसरे एंड में हीट ट्रांसफर किस प्रोसेस के थ्रू होगी कंडक्शन के थ्रू होगी क्लोथ्स ऑफ कलर्स एब्जॉर्व हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर कौन से कलर के क्लोथ्स ज्यादा हीट एब्जॉर्व करते हैं डार्क कलर के और जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट कलर के या कम एब्जॉर्ब करते हैं और डार्क कलर के एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं जो लैंड ब्रीज होती है वो कब होती है नाइट में नाइट में लैंड का टेम्परेचर सी टेम्परेचर वाटर जो सी के वाटर टेम्परेचर उससे क्या हो जाता है कम हो जाता है तो मीन्स जो वाटर के ऊपर की जो हवा है वो ज्यादा वाम रहेगी और वाम होने से वो राइजन अप हो जाएगी और जो नीचे का फिल उस गैप को फिल करने के लिए लैंड से कोल्ड एयर कहाँ की ओर टुआर्ड्स सी सी की ओर मूव करेगी दैट इज लैंड ब्रिज तो ये किस टाइम पे होती है नाइट टाइम में एंड सी ब्रिज ब्लोस ड्यूरिंग डे टाइम क्योंकि इसमें दिन के टाइम में जो वाटर होता है वो लैंड की अपेक्षा ठंडा होता है जो हवा होती है ओवर द लैंड वो गर्म हो जाती है वार्म होने की वजह से राइजन अप हो जाती है और नीचे का जो फिल गैप होता है उसको फिल करने के लिए सी से समुन्द्र से हवा टुआर्ड्स लैंड को चलती है मूव करती है दैट इज सी ब्रीज डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रिफर्ड इन डार्क कलर के क्लोथ्स किस सीजन में प्रिफर किए जाते हैं विंटर सीजन में क्योंकि ये हीट को एब्सॉर्व करते हैं तो हीट एब्जॉर्व करेंगे तो विंटर में हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग समर समर में लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि जो लाइट कलर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है हीट को और रिफ्लेक्ट करने से हमारी बॉडी में हीट एब्सॉर्ब नहीं होती और हमें गर्मी कम लगती है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर्स कीप अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग मीन्स विंटर में ज़्यादा लेयर के क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए इसका रीज़न है जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी उतने उन लेयर्स में जो एयर है उन गैप में क्या होगी एयर ट्रैप्ड हो जाएगी और एयर क्या होती है हीट का पुअर कंडक्टर होती है तो उससे वो क्या करती है एयर प्रिवेंट्स हीट लॉस ऑफ फ्रॉम अवर बॉडी हमारी बॉडी से हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती और हमारी बॉडी को वार्म रखती है इसलिए हमें प्रेफर करते हैं कि जितनी ज्यादा लेयर्स हों क्लोथिंग ज्यादा से ज्यादा लेयर वाले कपड़े पहनने चाहिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द फिगर मार्क वेयर द हीट इज बींग ट्रांसफर बाय द कंडक्शन बाय द कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन इसमें हीट ट्रांसफर के तीन तीनों प्रोसेस हैं, तो हमें मार्क करना है कि किस वाले पॉइंट पर कैसे ट्रांसफर होगी हीट तो इसमें इसका आंसर है ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द बर्नर बर्नर से पैन तक हीट किसके थ्रो कोई मीडियम नहीं है यहां पर डायरेक्ट जो हीट है वो पैन को डायरेक्ट गर्म कर रही है तो वो किसी मीडियम के थ्रू नहीं कर रही है तो वो होगी रेडिएशन के थ्रू कहां से कहां को हीट फ्रॉम बर्नर टू तो पैन एंड नेक्स्ट इज हीट फ्रॉम पेन टू वॉटर पेन से वाटर ये हो कि कंडक्शन के थ्रू इसमें जो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट मूवमेंट होगी एंड विद इन द वॉटर वॉटर के अंदर वॉटर की जो मॉलिक्यूल्स हैं पूरा मास आपस में पूरा मॉलिक्यूल मूवमेंट करेंगे तो विद इन द वॉटर इज बाय द कन्वेक्शन ओके देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इन इन प्लेसेज ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज देट द आउटर वॉल ऑफ द हाउसेज बी पेंटेड व्हाइट एक्सप्लेन so answer is in places of hot climate it is advised to paint the outer walls of the house as white because light color such as white jo light color hote hain like white reflects back most of the heat that falls in jo bhi उस white body पे जितनी भी white color में जितने भी heat पड़ती है तो उसमें से most of the heat को white color क्या करता है reflect कर देता है जिससे wall है वो क्या रहती है ज्यादा वॉर्म नहीं होती ज्यादा गर्म नहीं रहती हैं और हमें ठंडा महसूस होता है हॉट क्लाइमेट में इसलिए प्रेफर किया जाता है कि जो हाउस इसे ठंडा रहेगा कूल cool रहेगा इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि कौन सा कलर पेंट किया जाए व्हाइट कलर पेंट किया जाए द नेक्स्ट वन इज वन लीटर ऑफ वाटर एट थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्सड विद द वन लीटर ऑफ वाटर फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड ओके द टेम्परेचर ऑफ़ द मिक्चर विल बी तो इसका टेम्परेचर क्या होगा एक थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है और उसको मिक्स कर दिया गया है फिफ्टी डिग्री तो इसका जो मिक्स करके उसको जो टेम्परेचर होगा किसके बिटवीन होगा थर्टी डिग्री एंड फिफ्टी डिग्री सेल्सियस के बिटवीन होगा ना थर्टी से कम होगा और न थर्टी से ना फिफ्टी से ज़्यादा होगा इन दोनों के बिटवीन में होगा तो द राइट आंसर इज डी दैक्स्ट क्वेश्चन इज एन आयरन बॉल सेट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर इज एट 40 डिग्री सेल्सियस एक आयरन बॉल है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है उसको एक मग जिसमें वाटर रखा गया है उस वाटर का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है उसमें डाला जाता है तो द हीट विल बी तो हीट किस क्या होगा हीट का ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि बोथ सब्सटेंसेस आयरन बॉल एंड वॉटर बोथ आर कंटेनिंग सेम टेम्परेचर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो किसी भी प्रकार का हीट ट्रांसफर नहीं होगा सो so, no, दूटर दोनों का टेम्परेचर सेम है वुन इज डिब्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर इन एक वुडन स्पून है उसको एक कप ऑफ आइसक्रीम में डाल दिया गया है इट्स अदर एंड तो क्या उसका दूसरा एंड भी ठंडा हो जाएगा या गर्म हो जाएगा क्या है किस हीट कैसे ट्रांसफर होगी कंडक्शन के थ्रू कॉन्वेक्शन के थ्रू रेडिएशन के थ्रू या उसमें किसी भी प्रकार की हीट ट्रांसफर नहीं होगी इसका आंसर है डज नॉट बिकम कोल्ड ये कोल्ड नहीं होगा मीन्स हीट ट्रांसफर नहीं होगी बिकॉज वुड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इसमें और पुअर कंडक्टर क्या होता है इंसुलेटर जिनमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता तो वुडन स्पून में वुडन स्पून क्या होगी डज नॉट बिकम कोल्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेनलेस स्टील पेन आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स जो स्टेनलेस स्टील होती है पेन होते हैं उनके नीचे से बॉटम में कॉपर लगाया जाता है दिस रीजन ऑफ फॉर दिस क्यों लगाया जाता है क्योंकि जो कॉपर होती है वो स्टेनलेस स्टील से ज्यादा कंडक्ट अच्छी कंडक्टर होती है बेटर कंडक्टर होती है हीट की और हीट की जितनी अच्छी कंडक्टर होगी उतना ही अच्छे से ट्रांसफर होगा और जल्दी से गर्म हो जाएगा दैट्स वाई जो पैन होता है वो उसमें कुकिंग ईजी हो जाएगी आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास सेवन्थ टिल देन कीप वॉचिंग सी इन नेक्स्ट वीडियो